बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तीन तरह के जो इन्फेक्शन जो वजाइनाइटिस करवाते होते हैं, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस और तीसरा आ जाएगा आपका कहने का मतलब ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। तो पहले हम डिफरेंस वगैरह पढ़ लेते हैं। जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है वो गार्डियनेला वजाइनालिस की वजह से देखने को मिलता है, वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस कैंडिडल बाइकन की वजह से होता है, ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास वजाइनालिस की वजह से होता है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस में जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रे वाइट होमोजीनियस थिन डिस्चार्ज होता है, कैंडिडियासिस में थिक कर्डी डिस्चार्ज होता है, कॉटेज चीज अपीयरेंस भी पढ़ लेनी है। ट्राइकोमोनास वजाइनालिस में येलो ग्रीन प्रोफ्यूस डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ग्रीन येलो प्रोफ्यूस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ऑर्डर बैक्टीरियल वजाइनोसिस में फिशी ऑर्डर होता है, जबकि ट्राइकोमोनास में फुल स्मेलिंग होता है, कैंडिडियासिस में ऑर्डरलेस होता है। सब में पीएच 4.5 से ज्यादा होगी, कैंडिडा में 4.5 से कम होती है, सब में 4.5 से ज्यादा होगी। विफ टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव देखने को मिलता होता है किसमें, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में। और विफ टेस्ट में क्या देखने को मिलता है, विफ टेस्ट में आपको देखने को मिलता है फिशी स्मेल देखने को मिलती है। ओके, विफ अमाइन टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है सलाइन वेट अमाउंट। सलाइन वेट अमाउंट लेंगे तो इसमें क्लूसन मिलेंगे, जबकि ट्राइकोमोनास में ट्राइकोमोनास देखने को मिलेंगे। ओके, सही हो गया। जबकि के ओ एच हम इस्तेमाल करते होते हैं सूडो हाइफी को देखने के लिए, कैंडिडियासिस के लिए। अब बैक्टीरियल वजाइनोसिस के लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो एमसेल क्राइटेरिया होता है, ट्राइकोमोनियासिस में स्ट्रॉबेरी सर्विक्स होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस में क्राइटेरिया रट्टा मारना है वो है आपका एमसेल क्राइटेरिया होता है। एमसेल क्राइटेरिया में 4 में से 3 चाहिए होते हैं, इसका निमोनिक मैंने रट्टा मारा है FICH। ओके, एफ से क्या होता है, फिश स्मेल होता है विफ टेस्ट के अंदर। ओके, विफ सूखने को भी बोलते हैं। आई से क्या होगा, इंक्रीज वजाइनल पीएच होगी 4.5 से। सी से क्या होगा, सी से क्लू सेल्स मिलेंगे सलाइन वेट माउंट के अंदर। और एच से क्या होगा, होमोजीनस थिन ग्रे वाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता होता है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए वुल्वा की इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो आपके जहन में वही तीन डिफरेंशियल आते हैं, वजाइनाइटिस वाले, मैटेरियल वजाइनोसिस, वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस वाली। और एक बात रट्टा मार लेना कि जो वजाइनोसिस और कैंडिडियासिस होता है, ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, लेकिन ट्राइकोमोनास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। दैट इज वाइज आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, पार्टनर को भी ठीक करना होता है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन वजाइनली। ओके, और वजाइनल डाउचिंग को आपने प्रिवेंट करना होता है। कैंडिडियासिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्लोट्रिमेजोल और फ्लुकोनाजोल होती है। ट्राइकोमोनियासिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो मेट्रोनिडाजोल आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस में आपने क्या करना होता है, ओरल या टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल आपने इस्तेमाल करनी होती है, क्लिंडामाइसिन 2% क्रीम इस्तेमाल करनी है, वजाइनल डाउचिंग और वजाइनल ओवरवॉशिंग को आपने अवॉइड करना होता है। अब इसकी कॉजेटिव फैक्टर क्या होती है, नॉर्मली वजाइना की फ्लोरा में लैक्टोबैसिलस होता है जिसको डोडोनिन बैसिलस कहते हैं। ये वजाइना की पीएच को 4.5 से नीचे रखता होता है, एसिडिक पीएच रखता होता है। तो अगर बैक्टीरिया कम हो जाए, पीएच बढ़ जाए और ये बैक्टीरिया गार्डियनेला वजाइनालिस अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ये देखने को मिलेगा बैक्टीरियल वजाइनोसिस। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है आपने एमसेल क्राइटेरिया पूरा का पूरा छाप देना होता है, बाकी ग्राम स्टेनिंग भी करते होते हैं। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस। इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं वो इम्यूनो सप्रेशन है, एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपने वजाइना की फ्लोरा को कम करना है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है लाइक प्रेगनेंसी, इम्यूनो सप्रेशन, एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज या ओसीपीस लेने की वजह से कैंडिडियासिस होता है। डायबिटीज में तो रट्टा मार लेना, वुल्वा की इचिंग होगी मोस्ट डोमिनेंट, यही होती है, छाले छाले बन जाएगी, सॉर्डनेस हो जाती है, थिक कर्ड लाइक वाइट वजाइनल डिस्चार्ज होती है जिसको कॉटेज चीज अपीयरेंस कहते हैं, डिस्यूरिया विद बर्निंग मैच्योरेशन देखने को मिलता है, उस सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया भी आपको देखने को मिल सकता होता है। अब बेचारे वजाइनल डिस्चार्ज की टाइप पूछ रहा है, जो क्लियर डिस्चार्ज होती है वो आपको प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन में देखने को मिलती है, जो ग्रे डिस्चार्ज होती है ग्रे वाइट डिस्चार्ज होती है ये आपको देखने को मिलती है बैक्टीरियल वजाइनोसिस में, पिंक सर्वाइकल ब्लीडिंग की वजह से होती है, वाइट डिस्चार्ज वाइट कर्ड लाइक डिस्चार्ज कैंडिडियासिस में होती है, ग्रीनिश येलो ये आपको एसटीआई ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलती होती है, या इसके अलावा आप कह सकते हो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, रेड डिस्चार्ज मेंसिस की वजह से आती होती है। ओके, तो कैंडिडियासिस का केस आ गया तो वजाइनल एग्जामिनेशन में आपको एरिथीमा, वुल्वा की फिशर्स या वाइट एडहेरेंट प्लाक्स मिलेंगे, माइक्रोस्कोपी में आपको स्पोर्स या सूडो हाइफी मिलेंगे, के ओ एच वेट माउंट आपने इस्तेमाल करना होता है, बाकी दोनों में स्लाइन माउंट आता है, माइक्रोस्कोपी और कल्चर डायग्नोस्टिक होते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आपने इंट्रावजाइनल पिजरीज लेनी होती है, ओरल फ्लुकोनाजोल क्लोट्रिमेजोल दे सकते होते हैं। ओके, रिकरेंस अगर हो रहा है तो आपने टॉपिकल एंटीफंगल लेनी होती है और एक्वस क्रीम यूज करनी है एज एन एमोलिएंट्स, और कॉटन अंडरवेयर पहनने होते हैं, केमिकल इरिटेंट को आपने अवॉइड करना है, और अगर कैंडिडेट ग्लैबरेटा है तो आपने बोरिक इस्तेमाल करना होता है इंट्राविजनली। ओके, इसकी बात ट्राइकोमोनियासिस के अंदर आ जाते हैं, ट्राइकोमोनियासिस में भी माइक्रोस्कोपी और कल्चर करते हैं, और अलबत्ता जो कैंडिडियासिस में आप करते थे के ओएच वेट माउंट, लेकिन यहाँ पे लेते हो सलाइन वेट माउंट, इसमें मोबाइल ट्राइकोमोनास या मोबाइल फ्लैजिलेट्स मिलते होते हैं, बाकी कल्चर करोगे। बाकी इसके लिए भी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट ट्राइकोमोनियासिस में भी होता है, गनोरिया में भी होता है, क्लैमिडिया में भी देखने को मिलता होता है, बाकी ये टेस्ट आप उसमें भी ले सकते हो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, क्योंकि वो भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया वो भी निज़ेरिया गनोरिया क्लैमिडिया और माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम की वजह से देखने को मिलता है। ओके, तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर ओरल मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आ जाती होती है। ओके, और पार्टनर को भी ठीक करना होता है आपने।
ओके सही हो गया। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं गनोरिया वाले में। गनोरिया वाले का कोई सिनारियो नहीं होगा, बस आपने इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है। तो आपने कल्चर कराना है, पीसीआर कर सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। और गनोरिया के लिए जो ड्रग को चॉइस होती है वो सेफ्ट्राइज़ोन होती है, बाकी एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं क्लाइमिडिया को कवर करने के लिए, और स्पेक्टिनोमाइसिन दे सकते हैं अगर एजिथ्रोमाइसिन अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है, और इसमें भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट और पार्टनर करते हैं। क्लाइमिडिया में भी एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आप करते होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ओके ठीक हो गया, कॉम्प्लिकेशन क्लाइमिडिया की वजह से, ओके क्लाइमिडिया की वजह से पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आपको देखने को मिल सकता होता है। रिकरेंट पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, और रीटर सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है। ओके रीटर सिंड्रोम में क्या आर्थराइटस, यूवाइटस और यूरिथराइटस है। ट्यूबल इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है, ये सेम कॉम्प्लिकेशन है जो आपने इसमें पीआईडी में भी पढ़नी होती है। ओके इसके अलावा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम है, जिसके लिवर कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन और ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस आपको देखने को मिलती होती है। मैंने इसको बताया रट्टा मारा होता है सी डी ई एफ से। सी से क्या क्रॉनिक पेल्विक पेन देखने को मिल सकता होता है। ओके डी से क्या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ई से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आ जाती है। ओके ई एफ जी एच, जी से तो कुछ नहीं बनता, एफ जी से एफ जी एच फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम और आइस इनफर्टिलिटी। ओके सही हो गया, जिससे आपने रट्टा मारना होता है। बाकी आप ए से आप एब्सेस भी रट्टा मार सकते हो। ओके बाकी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आपको पेल्विक पेन देखने को मिलता है। बायलैटरल लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, डीप डिस्परोनिया होगा, वजाइनल डिस्चार्ज होगा, पेनफुल मेंसेस, फीवर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइकल मोशन या एडिनिक्सल टेंडेंस आपको देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया, अभी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में देखने को मिलता है। तो उसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो वही है जो आपके आपके ऑलमोस्ट जो आप उसमें पढ़े थे आपने, लाइक सर्वाइकल कैंसर में, वो भी एचपीवी की वजह से होता है, वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के, ये आपको सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में देखने को मिलता है। सेक्सुअली एक्टिव या प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, बैरियर प्रोटेक्शन, कॉन्डम इस्तेमाल नहीं कर रहे, या प्रेगनेंसी में म्यूकस प्लग की वजह से हो सकता है। अच्छा कहती है कि जो फीमेल है जो सेक्सुअली एक्टिव है 25 साल से नीचे है, ओके तो वो उनमें क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस और निज़ेरिया गोनोरिया होता है, तो उसको देखने के लिए आपने पैप स्मेयर कराना होता है। अब इसके लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए? मिनिमम आपको क्या चाहिए, लोअर एब्डोमिनल पेन चाहिए होता है, बायलैटरल होता है, इसके अलावा एडिनिक्सल या सर्वाइकल मोशन टेंडनेस, इसको बोलते हैं चैंडलियर साइन। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है व्हाट इज गोडल साइन, या इसके अलावा बस गोडल साइन ही बता दो पहले। ओके अच्छा इसके बाद एडिशनल क्या होगा, टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए, आपको म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आपको चाहिए होती है, इसके अलावा सलाइन माउंट के अंदर डब्ल्यूबीसी चाहिए, ईएसआर सीबीसी ईएसआर सीआरपी एलिवेटेड होगी, और आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए लेबॉरेटरी डॉक्यूमेंटेशन नाइजीरिया गोनोरिया क्लैमिडिया की, क्योंकि मोस्ट कॉमन काज ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस और नाइजीरिया गोनोरिया होती है, और माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम भी होता है। अगर आपसे पूछे इसका जो डायग्नोसिस होता है वो आपका किस पे होता है, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, बाकी गोल्ड स्टैंडर्ड पर लैप्रोस्कोपिक होता है, बाकी वो सीबीसी ईएसआर सीआरपी करा सकते हैं। ओके वजाइनल स्वैब ले सकते होते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, क्लैमिडिया और गोनोरिया की टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे करोगे, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट ऑन एंडो सर्वाइकल या एंडो वुल्वो वजाइनल स्वैब। ओके सही हो गया, ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, हॉस्पिटल एडमिशन करेंगे, रिसस्टिटेशन करते होते हैं, 2 हफ्ते का ड्यूरेशन चलाओगे आप दवाइयों का। आप दवाइयाँ आपने 3 इस्तेमाल करनी है, नंबर 1 एक तो सेफ्ट्राइज़ोन आपने देनी होती है, नंबर 2 आपने मेट्रोनिडाजोल देनी है एनारोबिक के लिए, और तीसरा आपने क्या देनी होती है एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन में से एक देनी होती है। बाकी ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और क्रॉनिक पेल्विक पेन एंड डिस्पेरोनिया है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम है, इनफर्टिलिटी या ट्यूबर ओवेरियन एब्सेंस है, सेम क्लैमिडिया वाली है। ओके इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं जेनिटल हर्पीस वाले में। तो जेनिटल हर्पीस में जो आपको क्या देखने को मिलता है, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस जो कि वेस्ट से नीचे इन्फेक्शन कराता होता है, तो इसके जो कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम होते हैं उसमें टिंगलिंग है, स्किन की इचिंग आपको देखने को मिलती है, जेनिटल पेन, डिस्यूरिया, वुलवाइटस और रीजनल लिम्फेडिनोपैथी। रीजनल लिम्फेडिनोपैथी और ये अलर्ट टमा लेना। ओके सही हो गया, अगर आपको अल्सर्स मिले वुल्वा पर और बायलैटरल इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी हो तो आपने जेनिटल हर्पीस पे जाना होता है, साथ वजाइनल डिस्चार्ज भी होगी। सही हो गया, ओके सिफिलिस पे नहीं जाना, सिफिलिस में पेनलेस अल्सर्स होते हैं, इसमें पेनफुल हो सकते हैं सुपरफिशियल टेंडर अल्सर। बाकी इसका जो डायग्नोसिस होता है वो आपने पीसीआर कराना होता है वेजिकुलर फ्लूइड का, बाकी आप एंटीबॉडी करा सकते हो आईजीएम या आईजीजी कल्चर या अपीयरेंस ऑफ ट्रैश ले सकते हो। ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक रिलीफ है, एनाल्जेसिया, सेलाइन बातें या टॉपिकल एनेस्थेटिक या ओरल एसाइक्लोपीर और कॉन्डम इस्तेमाल करेंगे। ओके अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन में रट्टा मार लेना है एमएसटीडी या एमएसटीडी। ओके एम से मेनिनजाइटिस, एस से सैक्रल रेडिकुलोपैथी, ट्रांसवर्स माइलाइटिस और डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन है। इसके बाद जेनिटल वार्ड्स है, जेनिटल वार्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होते हैं। अब इसकी बहुत सारी स्ट्रेन होती है, 6-11 ने क्या कराना है जेनिटल वार्ड्स कराना है, जिसको बोलते हैं कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा, बाकी 16-18-31-33-45 इसने सर्वाइकल इंट्रोपैथी
एपिथेलियल न्यूप्लेजिया और सर्वाइकल कैंसर कराना होता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल डायग्नोस होता है, बाकी आप क्या क्या करवा सकते हो, एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हो, पीसीआर टेस्टिंग करा सकते हो। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में आपने एबलेटिव थेरेपी भी जाना होता है। एबलेटिव थेरेपी में आपका लिक्विड नाइट्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रोसर्जरी आ जाएगा और होम ट्रीटमेंट जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, इसमें पोर्टोफायरोटॉक्सिन और इमिक्विमोड क्रीम आपने इस्तेमाल करनी होती है। ओके, फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज है और स्ट्रॉबेरी सर्विस है, डैट मीन्स ट्राइकोमोनियासिस है और मेट्रोनिडाजोल आपने इस्तेमाल करनी है। थिक वाइट कर्ली डिस्चार्ज है, प्रोराइटस और सुपरफिशियल डिस्क्रोनिया, तो एक वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस में होता है, एटियोलॉजी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, डायबिटीज, एंटीबायोटिक में होता है। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट इज कैंडिडा एल्बिकन्स, क्लू सेल माइक्रोस्कोपी में मिलती है। ओके, सही हो गया, यहाँ पे हमने पढ़ा था क्लू सेल्स और माइक्रोस्कोपी सिलाइन वेट माउंट माइक्रोस्कोपी पर। बाकी विफ अमाइन टेस्ट में फिशी ऑर्डर आपको मिल रहा है, तो ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होता है, डिक्रीज लैक्टोबैसिलस और इंक्रीज एनारोब्स की वजह से होता है, गार्डिनेला वजाइनालिस एक एनारोब होता है, ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओवर एब्डोमिनल पेन है, यूट्राइन और सर्वाइकल मोशन टेंडेंस है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, क्लैमिडिया की वजह से ज्यादातर होता है, लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, सेफलोस्पोरिन, सेफ्ट्रायक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करनी होती है। जेनिटल वार्ड सी, जेनिटल वार्ड 6 और 11 से होते हैं, जबकि 16, 18, 31, 33, 45 से सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया होता है।